हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बकलोल बाबी। आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर नहीं आऊँ ना। आज मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। बस आज मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी घटना है जिसे हमें सबक लेना चाहिए, जो कि यूट्यूब में हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेकर चलता हूँ, तो ये एक क्लिप देख लीजिए। ना तो कोई मोटिवेशन से रिलेटेड है और ना ही किसी स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स से। आज की वीडियो एक ऐसे सबक से रिलेटेड है जो शायद अच्छे लोगों को सीख लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे फेमस यूट्यूबर और बहुत लोगों के गुरु धर्मेंद्र सर के साथ, जिन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर करा यूट्यूब का चैनल खोलने के लिए, उन्हें एक एक चीज सिखाई और आज ये हालात है उनके चैनल के कि वो चैनल बंद होने पे है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि धर्मेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे 3 स्ट्राइक आ चुकी हैं और जो 3री स्ट्राइक आई है वो उनके किसी सब्सक्राइबर ने ही डाली है। यूट्यूब का नया रूल आने के बाद बहुत ही कम बड़े यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ठानी कि हम छोटे यूट्यूबर्स की मदद करेंगे, जिनमें से एक धर्मेंद्र सर भी थे। उन्होंने सबको कहा कि आप मुझे मेल करो, मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर आपकी प्रमोशन करूंगा। पर हुआ क्या, एक बंदा उसमें से ऐसा निकला जिसने अपनी प्रमोशन तो करवाई, साथ ही में उनके चैनल को कॉपीराइट के स्ट्राइक के साथ रिपोर्ट कर दिया कि इन्होंने मेरी वीडियो मेरे से बिना पूछे यूज करी है। अब उनका चैनल माय स्मार्ट स्पोर्ट, उस चैनल पर 3 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब वो अगर 6 दिन के अंदर वो स्ट्राइक नहीं हटी जो 3rd स्ट्राइक थी, उसके बाद उनका चैनल बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब तक तो आपने देख लिया होगा कि सर के साथ क्या हुआ। वो इस वीडियो के बाद आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि किसने सर के ऊपर स्ट्राइक डाला है और उसने खुद कबूला है कि उसने सर के ऊपर स्ट्राइक डाला और क्यों डाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लिप देख लीजिए आप। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक लाल प्यारे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, माय स्मार्ट सपोर्ट को स्ट्राइक लग चुकी है, 3 स्ट्राइक लगी है, उसे भी मैंने मारा है। तो मैं ये धर्मेंद्र जी को इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने जो ये वीडियोस बनाए हैं मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, और जितने यूट्यूब पर बाकी क्रिएटर्स जो बना रहे हैं उनको थोड़ा भी नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आपको स्ट्राइक हटवाना ही था तो आप उससे एक बार बात कर लेते, आप मेरा कंटेंट रिमूव कर देते, मैं स्ट्राइक आपको क्यों मारता। अभी बाय द वे, जो भी हुआ आप मुझे फ़ोन कीजिएगा धर्मेंद्र जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बाकी उनके जो क्रिएटर सपोर्टर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, भाई आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिएगा। मेरे जगह पे मैं जो मैं था मैं ठीक किया मैंने, बिकॉज उन्होंने यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस को वॉलेट किया, कमिटी को वॉलेट किया उन्होंने, किसी का भी कुछ भी बिना विदाउट परमिशन किया हुआ यूज़ किया। मैं तो मुझे नहीं अच्छा लगा मानने में, बट मैंने उनको कॉल करके मैं सोचा उनको बताऊँ, उनको मेल करूँ। मैंने उनको कॉल भी किया, उनका नंबर बंद आ रहा था। सेकेंड मैंने फिर उनको मेल डाल दिया, फिर वो मेल का रिप्लाई मुझे दिए नहीं। आज टोटल 6 डे हो चुके हैं, 6 दिन हो चुका है, तो जाके मैंने कुछ एक्शन लिया और मैंने जो एक्शन लिया मैंने क्रेडिट लिया है। अभी भी उनके पास समय है, आज 1st डे स्टार्ट हुआ है ओनली फॉर 6 डे, और बाकी है 6 दिन में उनका चैनल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो मुझसे अभी भी बात नहीं किया। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा कि उसने क्यों स्ट्राइक मारा, तो आप सोच सकते हैं कि अपने सिर्फ एक जिद के चक्कर में किसी का फ्यूचर खराब कर देना बहुत ही खराब चीज होती है। तो सर ने तो 4 साल निकाल दिए हैं और सर की तो अब ये इनकम बन चुकी है यूट्यूब। तो अगर आपको आपकी नौकरी से अचानक से निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो वही हाल हमारे सर का भी हो रहा है। मैं 6 महीने से यूट्यूब में हूँ और अब जाकर मेरे 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और सर तो 4 ईयर्स से हैं यूट्यूब में, तो मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो सर की 4 साल की मेहनत बस एक ही झटके में खराब कर दिया उसने। तो फ्रेंड्स, आप उसके पेज में जाकर, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पेज का लिंक दे दिया है, उसके चैनल का लिंक दे दिया है, तो उसको जाकर आप एक बार समझा दीजिए कि जो उसने किया है कि वो बहुत ही खराब है, किसी के फ्यूचर के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। पहले आपको सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और ऐसे केस में मेरा जो पहला अभी इंतजार है वो यही है कि मैं उनसे फोन पे बात कर पाऊँ। मैं उनको ईमेल्स कर चुका हूँ और मैं ईमेल्स के अंदर क्या लिख रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा, और मैं हमेशा उनकी ईमेल में यही बोलता हूँ जब भी उनसे मेरी बात होती है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा है जो भी है। तो अभी ये मैंने इनको 3-3 तो ईमेल किए हैं जहां पे मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा, तो अभी पता नहीं आप देख पा रहे हो जो भी है। तो
तो मैं वही उनसे बात कर रहा हूँ कि भाई आपका फोन नहीं मिल रहा है, अभी बात हो, मालूम चले कि किसने स्ट्राइक लगाई है, जो भी है। लेकिन ना हरकत बड़ी घटिया है ये कि मतलब कोई आपकी मदद करने के लिए सामने आता है, जहां पे आपके चैनल के ऊपर कुछ 20-50-100 नए व्यूज आ जाएंगे, उस चक्कर में आप मतलब कि आप पीछे से आगे स्ट्राइक मारते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि ये रूल है और ये आपके मतलब ना बात है आपके कंट्रोल में कि आप स्ट्राइक ला सकते हो, तो ये बहुत ही घटिया बात है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी ये क्लिप देखा, आपको तो पता चल गया होगा। तो हाँ, हमारे यूट्यूब में एक धर्मेंद्र सर हैं जिन्होंने 4 साल से ये चैनल बना के रखा है माई स्मार्ट सपोर्ट। तो उनको किसी ने स्ट्राइक दे दिया, 3 स्ट्राइक। तो मैं आपको बता दूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्हीं के गाँव का एक लड़का है जिन्होंने उनके चैनल पर स्ट्राइक मार दिया। तो वो भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि सर जो थे, सिर्फ ऐसे मैं बोलूँगा कि एक ही जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे कुछ थे, लेकिन सर उनमें से एक थे जो हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि हमें पता है कि नए रूल से हम लोग को 20 फरवरी तक हम लोग को पूरा जो रूल है हम लोग को पूरा करना है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आर्ट्स। और मैं बता दूँ कि उन्हीं में से एक लड़का था, तो सर ने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में उसकी एक वीडियो डाली, तो उसने ईमेल भेजा सर, तो सर के पास एक दिन में 2000 ईमेल आते हैं। तो आप ही बताइए कि एक इंसान जिसके पास 2000 ईमेल आते हैं, तो वो कैसे सबकी ईमेल के रिप्लाई कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, तो बस इसी बात से उस लड़के ने सर पर स्ट्राइक कर दिया। तो डालने के बाद उसने 2 स्ट्राइक सर पर डाल दिया और अपने दोस्त से भी कहा कि सर पर स्ट्राइक डाल दो। तो उसके दोस्त ने भी बिना सोचे समझे स्ट्राइक डाल दिया उसमें। तो सर के पास अभी टोटल 3 स्ट्राइक है और उनके पास बचे हैं सिर्फ 6 दिन। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूँगा कि एक बहुत ही शेमलेस थिंग है और बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है। तो आप अपने सजेशन कमेंट में डालें और बताएं कि आपको क्या लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चाहता हूँ कि आप सर को सपोर्ट करें, हम सब सब सर को सपोर्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही।